अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यूवी यानी अल्ट्रावायलेट और वी यूवी वी स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये ना सबसे रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिस्टर के नीचे की तरफ, ठीक है, तो चेंज करती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। Transitions are generally between bonding or lone pair orbital and existing bonding orbital. किस किस में change transitions आएंगी? Bonding में या lone pair orbital के साथ और antibonding orbital के साथ। अब जब absorption of energy होगी यानी ultraviolet visible light इस चीज के ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा? Promotion of electron, electron energy को absorb करेंगे और वो low energy orbital यानी ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में स्टेट यानी लो ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। अब ये वैसे तो मिलती जुलती होती है हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी इसका एक खास नाम है, मगर जो इसमें मेन डिफरेंस ये है कि जो एटम आए थे मॉलिक्यूल्स हैं जो अल्ट्रावायलेट रीजन में अब्सॉर्ब होते हैं उनको एक्साइटेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए बनस्पत विजिबल रीजन में। कौन कौन से ट्रांजिशन हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के अलावा और कौन कौन से ट्रांजिशन हो सकती है? रोटेशनल चेंज ट्रांजिशन हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंजेस आ सकती है, रूम टेम्परेचर पे तमाम मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं ग्राउंड स्टेट में और ग्राउंड स्टेट यानी लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल होता है। जब वाइब्रेशनल लेवल में चेंज आती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन स्टेट में उसमें एक ब्रॉड बैंड बन जाता है और द ब्रॉड बैंड अपॉन लैम्डा मैक्स यानी मैक्सिमम वेवलेंथ के लिहाज से यानी ये सारे तीन टर्म का इंट्रोडक्शन है जिसमें क्या क्या होता है। बाद में ये वाई एक्सिस पे एनर्जी है, एक्स एक्सिस पे इंटरन्यूक्लियर सैचुरेशन है। अब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है ये ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है? कम। और जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट पड़ेगी यूवी विजिबल लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद सेकंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चला जाएगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट चला जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ग्राउंड स्टेट चला गया फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट तो ऊपर वाली जो स्टेट है उसकी एनर्जी ज़्यादा है इसलिए उसको हमने एक्साइटेड स्टेट कहा, ठीक है। ये बात होगी यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। इसके बाद हम देखते हैं ये तो थे वाइब्रेशनल लेवल, ठीक है, यानी वाइब्रेशन के लिहाज से जो ट्रांजिशन है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को देखते हैं कौन कौन सी हो सकती है। अब ये मिलती जुलती है किससे? इनऑर्गेनिक में हमने जो एमओटी पढ़ी थी सिग्मा होता है बॉन्डिंग सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग स्टार से मुराद है ज़्यादा एनर्जी वाला, ठीक है। अब देखो जैसे सिग्मा से अब जब एक चीज के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ेगी अल्ट्रावायलेट लाइट यूवी विजिबल यानी अल्ट्रावायलेट के विजिबल लाइट इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ी तो उसमें कौन कौन से ट्रांजिशन आ सकते हैं? एक तो आ सकती है ये देखो पहले वाला सिग्मा से सिग्मा स्टार यानी सिग्मा की एनर्जी कम होती है सिग्मा स्टार से ज़्यादा तो सिग्मा से सिग्मा स्टार में चला जाता है ये चेंज आ सकती है। दूसरा पाई से पाई स्टार में ये चेंज आ सकती है यानी सिग्मा से सिग्मा स्टार में और पाई से पाई स्टार में। उसके अलावा एन होता है नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में भी जा सकता है और नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में जा सकता है, ये इसमें चेंज आ सकते हैं, ठीक है। अब ये पिक्चर इस लिहाज से जो बनी हुई है ना ये दरअसल अपने माइंड में अपने ना एमओटी के कंसेप्ट रखते हैं, एमओटी में जिनमें एमओटी वाली, ठीक है, ये क्या होता था ये मौजूद है ये होता था एक दो तीन एक दो इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ सर माइंड में है। उसके बाद एक दो तीन और नीचे एक दो एक दो अब ये होता था एस ऑर्बिटल, ये भी एस ऑर्बिटल एस और एस मिलके
ये अगर मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ किसी का ये था टू है, किसी चीज का ये 1.5 साल है, ये भी 1.5 साल है, ठीक है। तो ये जो दरमियान में आए ये एमओटी ड्राफ्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा 1S सिग्मा, और ये ऊपर वाला 1S सिग्मा स्टार, नीचे वाला सिग्मा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1S सिग्मा स्टार, ठीक है। इसी तरह अब ऊपर होती है पी वाली पिक्चर, इसको अगर कह दिया 2PX, दूसरे वाला है 2PY, तीसरे वाला है 2PZ, ठीक है। इसी तरह उस तरफ भी 2PY 2PZ, तो नीचे वाला भी है सिग्मा, ये पाई वन, ये पाई एक्स, ये पाई जेड, ऊपर ये क्या हो जाएंगे। ऊपर आपको पता है सबसे ऊपर कौन से वाला होता है, सबसे ऊपर हमेशा रहता है सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार सबसे ऊपर है, इसलिए इधर एंटी पॉइंट में ऊपर सिग्मा स्टार, इसके नीचे होता है पाई वाई स्टार पाई जेड। पिक्चर ड्रा इसलिए किया है इनऑर्गेनिक के साथ कमांड ने, अगर ये वैसे याद कर सकते तो वैसे भी ठीक है। फिर क्रोमोफोर क्या होता है, तारीफ याद कर दी, क्रोमोफोर टर्म को इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसे सिस्टम या मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए जिसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी क्रोमोफोर वो रीजन है किसी मॉलिक्यूल या एटम या आयन का जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, उसके नतीजे में फिर ट्रांजिशन यानी चेंज आती है। कौन सी चेंज आती है, या तो सिग्मा वाला इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में चला जाएगा, या पाई वाला पाई स्टार में चला जाएगा, या एन वाला पाई स्टार में चला जाएगा, या एन वाला कि ये मेन मेन वैल्यूज हैं, यानी साइंटिस्ट ने ये मैं तरीके बता दिए मेन मॉलिक्यूल में क्या लैम्डा मैक्स के इनवर्सन देखना था कि 150 पे, और आइलीन में आती है 165 पे, किसी कौन में 188, इधर 185 अमाइन 185 नाइट्रो को 319 615, ये वैल्यूज वाला टेबल है। बात डेफिनेशन करनी है एसीसी पर, ये सब पूरा है, ये वाले टर्म यूज होती हैं यूवी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, रेड शिफ्ट वो बैथोक्रोमिक अफेक्ट, यानी रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक अफेक्ट दोनों सेम चीज है। तारीख है यदि शिफ्ट तो टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक अफेक्ट क्या होता है, वेवलेंथ में छोटी वैल्यू से लॉन्गर की तरफ होती है, ये चेंज ऑफ मीडियम की वजह से होती है। ऑप्टोक्रोम क्या होता है, क्रोमोफोर के ऊपर नाइट्रोजन है वो ऑक्टोक्रोम के ऊपर प्रयोग करता है, ये भी ये लोन पेयर के आकार कर देते हैं, कंजुगेशन का आकार कर देते हैं, और कंजुगेशन की वजह से ये क्या कर सकते हैं, शिफ्टिंग वेवलेंथ यानी वेवलेंथ को रेड शिफ्ट कर देते हैं, इंक्रीज इन वेवलेंथ टू लॉन्गर वेवलेंथ कर देते हैं। ब्लू शिफ्ट और हेक्सोक्रोमिक अफेक्ट ऊपर वाली चीज का उलट है, रेड शिफ्ट या हेक्सोक्रोमिक अफेक्ट में वेवलेंथ लॉन्गर की तरफ शिफ्ट होती है, जबकि ब्लू शिफ्ट या हेक्सोक्रोमिक अफेक्ट में लोग वेवलेंथ शॉर्टर की तरफ शिफ्ट होती है। ऊपर वाले में क्या होता है, कंजुगेशन होती है, इसमें क्या होता है रिमूवल हाइपरक्रोमिक अफेक्ट। अब ये दोनों आपस में उलट है, हाइपरक्रोमिक तो हाइपोक्रोमिक, हाइपर में क्या होता है कि हम कहते हैं ये हाइपर हो गया तो उठा आ गया, यानी कि चीज की वैल्यू ज्यादा हो गई, हाइपरक्रोमिक में क्या होगा इंक्रीज एब्जॉर्प्शन टेस्ट हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक में हो जाएगा डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। और आइसोबेसिक पॉइंट ऐसे पॉइंट वो कहते हैं जिसमें तमाम जो कॉमन पॉइंट के कारण हैं उनको सेवरल पीएच के अंदर लिया जाए। यानी कंजुगेशन की वजह से क्या होता है, अब उसको देखते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, जिसमें जितनी ज्यादा कंजुगेशन होगी उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी, यानी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो क्या कहते हैं रेड शिफ्ट। तो आप देखो कंजुगेटेड जो क्रोमोफोर्स हैं यानी ऐसे रीजन है जिसमें कंजुगेशन होती है, कंजुगेशन कहते हैं अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड यानी पहले सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, यानी अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड करने पर कंजुगेशन फॉर्म में क्या हो जाएगी रेड शिफ्ट हो जाएगी, यानी इंक्रीज वेवलेंथ हो जाएगी, क्यों होती है इनमें डीलोकलाइजेशन हो जाती है,
यानी जो जितनी ज्यादा डबल बॉन्ड होंगी यानी कंजुगेशन होगी उतने पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे, जितने पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उतने फिर पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होगी। अब इसी बात को मिलकर देखना है, ये देखो ये सिंपल थाइलीन है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है वो पाई में ट्रांजिस्टर पाई से पाई स्टार में चला गया 175 नैनोमीटर। ये भी वही थाइलीन है, एक पाई बॉन्ड है क्योंकि पहली सिग्मा होती है दूसरी पाई, तो ये एक पाई बॉन्ड है, तो ये पाई पाई स्टार में गए। अब ये है 1,3-butadiene। अब ये कंजुगेटेड क्यों है, तो ये देखो ये वाली डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, तो डबल सिंगल डबल सिंगल ये कंजुगेटेड है, दो पाई बॉन्ड है, ये पाई पाई, ये थी बॉन्डिंग ऊपर वाली पाई स्टार 1 5 स्टार से एंटी बॉन्डिंग, यानी इससे ज्यादा ट्रांसमिशन हो ज्यादा ट्रांसमिशन वेव लेंथ क्या हो जाएगी, ये ज्यादा वेव लेंथ का क्रॉस करेगा 210 नैनोमीटर। कंजुगेटेड वेव लेंथ हमेशा नॉन कंजुगेटेड से ज्यादा होती है। ये कंजुगेटेड में तो केस में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल या डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, तो ये होती है वाली बॉन्ड कंजुगेटेड, और ये जबकि सादा जो एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन है वो इस बात को वाध्य करेगी के तौर पे जो गैमा कैरोटीन है उसमें 11 कंजुगेटेड डबल ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब जो 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड वाली गैमा कैरोटीन है उसकी जो वेवलेंथ वो है 490 नैनोमीटर, ठीक है, यानी उसकी वेवलेंथ वो ज्यादा वेवलेंथ की अब्सॉर्ब हो सकती है लाइट, ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट अब्सॉर्ब करती है। जबकि जो बेंजीन है, बेंजीन में आपको पता है कि इसकी कंजुगेशन है ये हां देखो निकाल कर ये बेंजीन है, तो ये इधर से अगर स्टार्ट करें सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, थोड़ी सी कंजुगेशन है ऊपर वाले में 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, ठीक है, 3 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ कम है, ऊपर वाले की वेवलेंथ क्या है ज्यादा, क्योंकि ऊपर वाले में कंजुगेशन ज्यादा। फिर ऑक्सोक्रोम क्या होता है, क्रोमोफोर के ऊपर जो ग्रुप लगा होता है सस्पेंशन लगा जो होता है जिसके लोन पेयर की वजह से कंजुगेशन ज्यादा हो जाती है उसको हम कहते हैं ऑक्सो, ठीक है। ऑक्सोक्रोम की वजह से क्या होता है लॉन्गर वेवलेंथ हो जाती है, यानी बैक्सोक्रोमिक शिफ्ट हो जाती है, रेड शिफ्ट हो जाती है, और इसमें इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है 5 to 5 star का है, जितनी 5 to 5 star ट्रांजिशन ज्यादा होंगी, अब जितनी डबल बॉन्ड ज्यादा होगी जितनी कंजुगेशन ज्यादा होगी उतनी 5 to 5 star ट्रांजिशन ज्यादा होगी वेवलेंथ अब्सॉर्ब करने के बाद, और उतनी ही फिर क्या हो जाएगी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। अब इन वे शिफ्ट को हम रेजोनेंस पैटर्न बेस पे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, लोन पेयर जो है ऑक्सोक्रोम का, ये ऑक्सोक्रोम वाले इनका लोन पेयर किसके साथ इंटरैक्ट करता है, पाई सिस्टम ऑक्सोक्रोम, यानी जो एब्जॉर्ब करने वाला मॉलिक्यूल है उसके पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये इंटरैक्ट करेगा और उसमें नतीजे में कंजुगेशन हो जाएगी और उसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें से कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स दी गई हैं उसको अब हमने देखना है इन वैल्यूज की मदद से, ना हमने न्यूमेरिकल टाइप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दो एग्जाम्पल हैं। द बेसिक यूनिट इज 2,4-hexadiene 2,4-hexadiene 1,2,3,4-5 और टोटल कार्बन चेन है हेक्सा और डबल बॉन्ड कितनी है 2, तो डाई 2,4-hexadiene, इसमें जो बेसिक यूनिट है वो क्या है ब्यूटाडाइन, यानी ये बेसिक यूनिट है ब्यूटाडाइन। अब देखते हैं पैरेंट वैल्यू को हम ऊपर से देखते हैं, जो ब्यूटाडाइन की पैरेंट वैल्यू होती है ना स्टूडेंट को आपने याद रखना है, ब्यूटाडाइन की पैरेंट वैल्यू होती है 217, ये याद रखना है आपने, जैसे टेबल में डिफरेंट वैल्यू नैनोमीटर है, 217 नैनोमीटर की वैल्यू बता देता है, पेरेंट वैल्यू बता देता है, 217 नैनोमीटर की वैल्यू।
फिर ये जो ब्यूटाडाइन इसमें मेन यूनिट है, ठीक है। जैसे अब मेन यूनिट के अलावा जो लगे हैं वो सब स्टूडेंट है, तो एक लेफ्ट साइड पे सब स्टूडेंट लगा हुआ है अलगा, एक राइट साइड पे। तो एक अलगा के स्टूडेंट की वैल्यू है 5, 2 की हो जाएगी तो 5 × 10, तो 217 में 10 ऐड किए तो 27, तो 227 नैनोमीटर इसका जवाब आ जाएगा। ये कंप्यूटर से अब ये देखो, ये था इधर अलगा स्टूडेंट, एक अलगा स्टूडेंट की वैल्यू थी 5, उसमें 2 थे तो 5 × 2 = 10, ठीक है। ये कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम पार ये वन ये जो सकते हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया, दो डिफरेंट रिंग्स है ना, तो इसका नाम देखो बीच में बॉन्ड में, इसका नाम है अब हेट्रोन्यूक्लियर डाई, हेट्रोन्यूक्लियर डाई। हेट्रो क्यों, डाई इन से मुराद डबल बॉन्ड, हेट्रो से मुराद डिफरेंट रिंग। जब डबल बॉन्ड डिफरेंट रिंग में आ जाए उसको कहते हैं हेट्रोन्यूक्लियर डाई। ये देखो अब इसमें डबल बॉन्ड किसके हैं, दो डिफरेंट रिंग में आ गई, तो इसको कहेंगे हेट्रोन्यूक्लियर डाई। ये क्या है, हेट्रोन्यूक्लियर या हेट्रोन्यूक्लियर डाई, हेट्रोन्यूक्लियर ज़्यादा बेटर है, ये इसको नाम दे दिया। अब इसकी वैल्यू पर क्या लिखी है, 214 न्यूक्लियर की वैल्यू आके
डबल बॉन्ड जो सी है उसके साथ एक एच है, इधर दो है, तो एक एच ही कमी होगी, तो टोटल चार रिंग रेजिड्यूज हैं, तो एक की वैल्यू पाँच है, तो पाँच चार बार बीस, तो 214 में 20 ऐड किया 234 का जवाब आ जाएगा, तो 234 नैनोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। फिर सॉल्वेंट इफेक्ट देखते हैं, अब सॉल्वेंट भी इसको फैक्ट करते हैं, एडसॉर्प्शन बैंड्स अराइजिंग फ्रॉम एन टू पाइसा, एन यानी ऐसे एडसॉर्प्शन बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होंगी, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होंगी, इससे बराबर कौन सी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ऊपर हमने पढ़ी है, कौन सी पर ही ब्लू शिफ्ट किए थे, ये हमने पढ़ी थी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट का नाम दिया था हमने, ये देखो ये रही ब्लू शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी उसमें क्या हो जाएगा शॉर्टर वेवलेंथ की तरह हो जाएगा। बस ये ध्यान निकाली, फिर मेटल कॉम्प्लेक्स में देख लिया, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लिगेंड भी इनका रिच में अब्सॉर्ब करेंगे और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मान लेते हैं तीन किस्म की ट्रांजिशंस होंगी कलर कॉम्प्लेक्स, कलर कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं डी ब्लॉक वाले, हमने इनऑर्गेनिक डी ब्लॉक पढ़ा है, डी डी ट्रांजिशन जो मेटल आयन में होंगे वो लो इंटेंसिटी और लिटिल यूज होगा इनका एनालिसिस में, दूसरी जो ऑर्गेनिक लिगेंड के साथ होंगी उसमें एन से पाई स्टार या पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होगी मेटल में, जो तीसरी चार ट्रांसफर ट्रांजिशन में ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऑर्बिटल वन लिगेंड से दूसरे मेटल, ये ए बी सी पॉइंट अच्छी तरह कर लेते हैं। के बाद अब्सॉर्प्शन बैंड ना शिफ्ट हो जाएगा किसी तरह यूवी रीजन के अंदर की ऑर्डर, यानी बी आर ज्यादा सी आर ज्यादा ओ एच ज्यादा यानी ये जो लिगेंड है ना इनमें से जो लिगेंड ग्रेटर है वो साथ लगा होगा तो बैंड अल्ट्रा वायलेट रेडियन की तरफ ज्यादा शिफ्ट, ये बात देखते हैं। उसके बाद सैंपल जिनमें से एक दो शिफ्ट के साथ देखते हैं, ठीक है, ये ग्रीन क्रोम ब्लैक ग्रीन क्रोम ब्लैक की कंस्ट्रक्चर आ गया, ये डाई हाइड्रोक्रोमाइड इसको कर लो, ये हमसे नाना डाई हाइड्रोक्रोमाइड फिर एग्जाम्पल जो उन्हीं के नाम देखते हैं कलर कॉम्प्लेक्स एक कलर वाले अल्ट्रा वायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रम को की बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसमें एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड को ऐड करते हैं जिसको अच्छी तरह वेट किया होता है, तो खुद बस वन में ऐड करते हैं उसका 100 मिलीलीटर बना लेते हैं, थोड़ा सा पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन इसका सिलिका जेल में ट्रांसफर कर देते हैं, एल को इतना रखा जाता है कि ये बनाया जाता है जो बीम ऑफ लाइट है वो उसमें से एक सेंटीमीटर जो कंपैरिजन सेल है जिसमें प्योर सॉल्वेंट मौजूद है उसको भी तैयार किया जाता है, हर सेल को एक खास जगह पर रखा जाता है स्पेक्ट्रोमीटर में, ये इस तरह किया जाता है ताकि जो दो बीम है यूवी की जब उनको उतारा जाए तो एक सैंपल में से गुजरे और एक प्योर सॉल्वेंट में, जो इंटेंसिटीज एंड ट्रांसमिटेड बीम उसको फिर ऑल रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट में रखा जाता है यानी मॉजन किया जाता है, जो स्पेक्ट्रम है उसको फिर हम अल्ट्रा वाले विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ग्राफ में ड्रा हो जाता है, फिर आगे इसकी उधर तक उस पर बाकी चीज़ें हो जाएंगी, फिर द फॉलोइंग एग्जांपल यूविस्पेक्ट्रोस्कोपी इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, एलिमेंट ऑफ कंपाउंड टू डिटरमाइंड इसमें से दो तीन देखते हैं, इस कंपाउंड को डिटरमाइन करने के लिए आयरन कॉपर मैंगनीज क्रोमियम मर्करी लेड फॉस्फोरस फॉस्फेट आयन क्लोरीन नेगेटिव एस्पिरिन कोलेस्ट्रॉल विटामिन ए सल्फोनामाइड प्रोटीन और डीडीटी और रिएजेंट यानी इसको फाइंड करने के लिए कौन सा रिएजेंट बताइए, रिएजेंट को लास्ट एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन इसका असल लाइफ में किधर इस्तेमाल है, ड्रिंकिंग वाटर मिनरल फ्यूल्स अलाइज फर्टिलाइजर ड्रिंकिंग वाटर एनर्जेटिक प्रिपरेशन यूज करने आज के अलावा बॉडी फ्यूल फूड स्टफ जब प्रिपरेशन टू बॉडी फ्यूल फॉर एप्लीकेशन अल्ट्रा वायलेट कॉपी एनालिसिस एनालिसिस की क्या एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन यानी किधर इधर इस्तेमाल होता है, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अगर स्पेक्ट्रम 200 नैनोमीटर से ज्यादा हो इससे मुराद है ऑक्सीकंसेशन एब्सेंट है एल्डिहाइड कौन और मेटिक कौन है, एलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर
विटामिन के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, विटामिन ए की अब्सॉर्ब होता है, ए टू में अब्सॉर्ब होता है, टॉटोमेरिक फॉर्म टॉटोमेरिज्म वाली फॉर्म के बारे में बताता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताता है, स्टील बेस और ट्रांस स्टील बेस की अब्सॉर्ब होती है, केमिकल काइनेटिक्स यानी स्लो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन के बारे में बताता है, रिडक्शन ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में बताता है, मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताता है, एक देखते हैं ओजोन कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर के कंसंट्रेशन कितनी है 260 नैनोमीटर पे अब्सॉर्ब होगी, डिटरमिनेशन ऑफ लैंथेनाइड के बारे में बताता है।